तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शुभम सुरित्र, आप की तरह एक कॉमन साइंस स्टूडेंट। आज हम कचौरी डेल्टा और समोसा डेल्टा के बारे में सीखने वाले हैं। तो देखिए, समोसा डेल्टा और कचौरी डेल्टा आपको जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, एक्चुअली में ऐसे कोई नाम नहीं होते, लेकिन हमें इनके दोनों के बीच का फ़र्क क्या होता है ये हमें अभी जानना है। वॉट इज़ दिस सिम्बल? द सिम्बल इज़ कॉल्ड डेल्टा, इट मीन्स चेंज ऑफ वैल्यू। तो ये सिम्बल जो है वो डेल्टा है और इसका मतलब होता है कि वैल्यू में कोई तो बदलाव आया है, चेंज इन वैल्यू, चेंज ऑफ वैल्यू। तो अगर हमें अब ये चेंज पता करना हो तो कैसे पता करें? किसी भी चीज़ की इनिशियल क्वांटिटी को हम फाइनल क्वांटिटी में से माइनस कर दें तो जो अब मिलेगा वो होगा चेंज इन क्वांटिटी। इसीलिए हम कहते हैं चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डेल्टा दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं कचौरी डेल्टा, दूसरे को कहते हैं समोसा डेल्टा। एक्चुअली में बोलने जाए तो एक है स्मॉल डेल्टा और दूसरा है कैपिटल डेल्टा। समोसा डेल्टा का मतलब होता है चेंज या फिर स्मॉल। अगर हम मैं बात करूँ कचौरी डेल्टा की, तो कचौरी डेल्टा का मतलब होता है इनफाइनिटेसिमल स्मॉल या फिर इनफाइनिटेसिमल चेंज। समोसा डेल्टा का मतलब होता है छोटा चेंज, छोटा चेंज, ठीक है। तो ये वैल्यू 1 हो सकती है, 1.1 हो सकती है, ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ। ऐसी बहुत छोटी वैल्यू को हम कहेंगे कि छोटा, तो समोसा डेल्टा, ठीक है। लेकिन बहुत छोटा, बहुत 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 छोटा, अगर कोई चीज़ बहुत छोटी हो, इनफाइनिटेसिमल स्मॉल हो, ठीक है, जो चेंज आया है वो इनफाइनिटेसिमल स्मॉल हो, तो उसको डिनोट करने के लिए कचौरी डेल्टा का यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्मॉल डेल्टा। तो अब आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है दोनों डेल्टा के बीच का फ़र्क क्या है, समोसा डेल्टा और कचौरी डेल्टा के बीच का फ़र्क। हमने ये जैसे नाम रखे, एक्चुअली में उसे कैपिटल डेल्टा और स्मॉल डेल्टा कहते हैं। तो कैपिटल डेल्टा से हम कहते हैं कि चीज़ें छोटी है, और अगर मैं बात करूँ स्मॉल डेल्टा की, तो चीज़ें होती है बहुत 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 छोटी, ठीक है, इनफाइनिटेसिमल स्मॉल।